नमस्कार, एसएमजेड न्यूज इंडिया देख रही सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आरती, आपके साथ शुरुआत करते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों के साथ। दिवाली की रात पाकिस्तान तस्करों की हरकत, रात 3 बार भारतीय सीमा लांग पाकिस्तान ड्रोन, बीएसएफ जवानों ने फायरिंग कर खदेड़ा। राहुल गांधी का राजस्थान में सरकार रिपीट कराने पर फोकस, कांग्रेस में हालात नियंत्रण करने की कोशिश। 4 दिसंबर को राजस्थान आएगी भारत जोड़ो यात्रा। बस में दिए जलाकर सो गए ड्राइवर, कंडक्टर जिंदा जले। रांची में झुलसने से दोनों की हुई मौत, दिवाली पूजा के बाद दिए जलते छोड़ दिए थे। दिल्ली की हवा में घुला जहर, दिवाली की अगली सुबह जहरीली हुई हवा, एक्यूआई 353 पहुंचा। हवा में पर्टिकुलर मैटर का स्तर औसत 319 पापा गया। 1.5 घंटे बंद रहने के बाद व्हाट्सएप सर्विस बहाल, दोपहर 12:30 बजे डाउन हुआ मैसेंजर, 96 मिनट बाद 2:06 पर हुआ शुरू। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण सबसे पहले अमृतसर में 4:19 पर दिखेगा, उसके बाद भारत में करीब 2 घंटे तक रहेगा। देश दुनिया में दिवाली की धूम, पीएम ने जवानों संग मनाई दिवाली। ऋषि सुनक ने घर से बाहर दिए जलाए, एफिल टावर रोशनी में नहाया। मेघालय मिजोरम समेत 4 राज्यों में तूफान का रेड अलर्ट, शाम तक पहुंचेगा सितरंग। असम बंगाल में तेज बारिश शुरू, पीएम पद की शपथ लेंगे ऋषि सुनक। दोपहर में किंग चार्ल्स से की मुलाकात, शाम 4 बजे बतौर पीएम देश को संबोधित करेंगे। चीन की जासूस दिल्ली से पकड़ी गई, तिब्बती रिफ्यूजी कैंप में नेपाली बनकर रहती थी, 2019 में भी चीनी पासपोर्ट पर भारत आई। ये थी अब तक की खास 10 बड़ी खबरें, कल फिर हाजिर होंगे और भी नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए एसएमजेड न्यूज इंडिया।